दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय महिला चोर की रोका किया पर्दाफाश, 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात किए बरामद। जी हां, बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। बता दें कि रक्षाबंधन और मुहर्रम के समय टमटम व रिक्शे में बैठी यानी महिलाओं के पास एवं सोने चांदी के जेवरात की चोरी हुई थी, जिस पर भिंड एसपी मनोज कुमार सिंह के निर्देश में सीएसपी आनंद राय, महिला डेस्क प्रभारी पूनम पापा एवं सिटी कोतवाली प्रभारी राजकुमार शर्मा की टीम ने पर्दाफाश करते हुए 5 महिला चोरों को पकड़ा है, जिसमें मुख्य महिला आरोपी उर्मिला जी के गुड़गांव की बताई गई है। वहीं दूसरी महिला राजस्थान से और इसके अलावा 3 अन्य महिलाएं भिंड जिले की बताई गई हैं। वहीं महिलाओं से लगभग 10 लाख रुपए कीमती सोना चांदी के जेवरात एवं कुछ नकदी भी बरामद की गई है और अभी उनसे पूछताछ जारी है। थाना कोतवाली जिला भिंड की एक प्रकरण है, जिसमें कुछ महिलाओं के द्वारा शहर में महिलाओं से कुछ बैग से, पर्स से कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी। इस तारतम्य में पुलिस के द्वारा मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई पुलिस को, और उस आधार पे जब तस्दीक की गई तो मोगिया संप्रदाय की कुछ महिलाएं थी जो अन्य राज्यों की है, उनसे पूछताछ की गई तो बहुत सारी घटनाओं का खुलासा हुआ और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्यवाही जारी है। इसमें अलग अलग प्रकरणों में है, कुछ में सोने के कुछ मंगलसूत्र है, टॉप्स है, कुछ पैसे हैं, कुछ आधार कार्ड है, इनके जो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो कुछ फर्जी भी पाए गए हैं जो इन लोगों ने फ्रॉड तरीके से बना लिए थे और उसका उपयोग करके ये अन्य जगह पे वारदात को संपादित करने में करते थे। इसे 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए उर्मिला करके। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।